आप लोगों ने भी अपने बचपन में इस नर्सरी राइम को जरूर सुना होगा। इस राइम को सुनते ही आपके दिमाग में छोटे छोटे बच्चों के खेलने और अपने टीचर के साथ इसे गुनगुनाने की कल्पना आती होगी। लेकिन इस कविता का अर्थ बहुत गहरा है जो कि इतिहास में दबा हुआ है। इस कविता को सबसे पहले सन 1875 में प्रकाशित किया गया था, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि यह कविता इससे भी पुराना है, कई सदियों पुराना, और अभी तक इस कविता का स्पष्ट रूप से कौन लेखक है इसका पता नहीं लगाया जा सका। एक थ्योरी के मुताबिक कहा जाता है कि सन 1014 में जब वाइकिंग्स नॉर्वे देश के समुद्री लुटेरे ने जब लंदन पर हमला किया था तो उन्होंने लंदन के इस ब्रिज को ध्वस्त कर दिया था, और वाइकिंग्स जहां भी जाते थे वो इस कविता को गुनगुनाते रहते थे। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। दुनिया भर में इस कविता की लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है। इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी भी है जो कहती है कि लंदन में जब इस ब्रिज का निर्माण हो रहा था, इस ब्रिज के तल के नीचे बच्चों को जिंदा दफन कर दिया गया था। एक प्रथा के अनुसार उनका यह मानना था कि बच्चों की बलि देने से यह स्कूल की रक्षा करेंगे और सदियों तक इस स्कूल की स्थिरता और मजबूती को बनाए रखेंगे। भले ही हमारे इस आधुनिक युग में इस कविता ने बहुत गहरे छाप छोड़े हो, लेकिन इतिहास में इसके अस्पष्ट अर्थ क्या थे जिन्हें आज भी जाना नहीं गया।